काशी का वित्त में एकोगुण वृद्धि सूत्र का व्याख्यान हम लोग देख रहे हैं। इसके पद कृत्य पर अब चर्चा की जा रही है। तो पहले मूल काशिका से देखते हैं। इकह इति किम, काशिकाकार कह रहे हैं कि इकह ये पद सूत्र में क्यों रखा है सूत्रकार ने, तो कहते हैं उसका प्रयोजन दिखा रहे हैं। आज संध्यक्षर व्यंजना नाम मा भूत, किसके स्थान पे ना हो जाए गुण वृद्धि, आकार के स्थान पर, संध्यक्षरों के स्थान पर। संध्यक्षर माने ए ओ ऐ ओ, दिखाएंगे आगे स्वयं ही, इनको ना हो जाए और व्यंजना नाम मा भूत, और व्यंजनों के स्थान पर ना हो जाए। देखिए इकह नहीं रख रहे हैं तो हमारा सूत्र कितना रहेगा, गुण वृद्धि इतना ही रहेगा, ठीक है। तो गुण वृद्धि इतना सा सूत्र रहेगा, तो गुण वृद्धि जो है वो अपनी संज्ञा के द्वारा विधान किए जाते हुए गुण वृद्धि किसी के भी स्थान पे हो सकते हैं, एक विशिष्ट के स्थान पे ही होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकेगा ना। तो ये अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं कि इकह नहीं कहेंगे तो आकार को होने लग जाएगा गुण कहाँ पर, यानम में, और जो है वो संध्यक्षर को होने लग जाएगा उम्भिता आदि में। पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम स्व संजया विधाने नियमार्थम, चलिए वो तो अगला प्रयोग है, पहले इकह के प्रयोजन दिखाए। यानम ग्लायति उम्भिता, यहाँ पे अनिष्ट गुण वृद्धि ना हो। देखिए व्याख्यान से हम देख रहे हैं, सबसे पहले न्यासकार के व्याख्यान से इकह इति किम, इस प्रश्न पर न्यासकार कह रहे हैं एक देश द्वारेण समुदायस्य पर्यनुयोगः वेदितव्यः। एक देश द्वार के माध्यम से, एक देश द्वार से माने सूत्र के एक देश पर, सूत्र के एक अवयव पर जो है वो प्रश्न किया गया है, लेकिन उस एक अवयव के माध्यम से संपूर्ण समुदाय पर ही, संपूर्ण सूत्र पर ही प्रश्न है, संपूर्ण समुदाय का प्रश्न है, इति वेदितव्यः, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। पहले भी ये प्रयोग आया है ना, पर्यनुयुंक्ते आदि पूछता है, आक्षेप करता है, इस अर्थ में परि और अनुपूर्वक युज धातु का प्रयोग हो रहा है प्रश्न के संदर्भ में, प्रश्न इस अर्थ में। इकह इति किम, इतना सा प्रश्न किया है, ठीक है, लेकिन वस्तुतः कहना ये चाह रहे हैं कि इको गुण वृद्धि ये सूत्र क्यों बनाया है, ठीक है। प्रश्न केवल इतना सा नहीं है कि इकह का इस सूत्र में क्या महत्व है, क्योंकि इकह नहीं करेंगे तो सूत्रार्थ ही एक तरह से कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रश्न भले ही इस स्वरूप वाला रखा है कि इकह इस पद का सूत्र में क्या प्रयोजन है, लेकिन अभिप्राय यहीं पर जाता है कि इको गुण वृद्धि इस संपूर्ण सूत्र को ही क्यों बनाया गया है, इसका प्रयोजन क्या है। तो एक देश द्वारेण, सूत्र के एक देश के माध्यम से समुदायस्य पर्यनुयोगौ वेदितव्यः, संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण सूत्र का ही पर्यनुयोग जानना चाहिए, संबंध जानना चाहिए, प्रश्न जानना चाहिए। न हि गुण वृद्धि इति एतावता विना इग ग्रहणेन अर्थः कश्चित् संगृह्यते। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, न्यासकार अपनी बात में हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि इकह इति किम का अभिप्राय ये जानना चाहिए कि इको गुण वृद्धि इति किम, क्योंकि न ही गुण वृद्धि इति एतावता, क्योंकि गुण वृद्धि केवल इतने के द्वारा, बिना इक ग्रहणेन, बिना इक को ग्रहण किए अगर हम इतना मात्र सूत्र बना दें गुण वृद्धि, तो इससे अर्थ कश्चित न संग्रह्यते, कोई भी अर्थ संग्रहित नहीं हो पाता है, सूत्र का कुछ अर्थ ही नहीं बन पाएगा इस सूत्र में अगर हम इक पद को नहीं रखेंगे। तो इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, जब आचार्य प्रश्न कर रहे हैं इकह इति किम, तो उसका अभिप्राय यही समझना चाहिए, इको गुण वृद्धि इति किम, संपूर्ण सूत्र पे प्रश्न है। तो उसका वृत्ति उदाहरण दिखा रहे हैं। यानम, यानम प्रयोग में क्या हुआ है, यातेर ल्युटि गुणे विधीयमाने अंतरतम्याद अकारः स्यात्। अगर हम ये सूत्र ना बनाए इको गुण वृद्धि, तो क्या स्थिति रहेगी, या धातु है आगे, ल्युट प्रत्यय है भाव में मान लीजिए, करण में मान लीजिए, किसी भी अर्थ में,
तो अब ये ल्युट प्रत्यय का अनशेष रह गया, और ल्युट प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा है ना, अर्धातुकम शेषः से अर्धातुक संज्ञा है, तो सार्धातुक अर्धातुकयोः से यहाँ गुण की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि इको गुण वृद्धि सूत्र नहीं है। सार्धातुक अर्धातुकयोः का अर्थ क्या रहेगा, अंग के अंत्यल को गुण होता है, सार्धातुक प्रत्यय के परे रहते और अर्धातुक प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ होगा ना फिर सूत्र का। और जब ऐसा अर्थ होगा तो या ल्युट इस स्थिति में भी या अंग को गुण प्राप्त होने लगेगा, और या अंग को जब गुण प्राप्त होगा तो अलोन्त्यस्य के कारण से अंतिम अल को होगा, अंतिम अल आकार है ना, तो आकार के स्थान में गुण कहने से तीन प्राप्त हो गए, अ ए और ओ अदेंग गुण, फिर वहां अंतरतम के कारण से स्थाने अंतरतम ये उपस्थित हो जाएगा, और आ के स्थान में क्या गुण होने लगेगा, अगुण होने लगेगा। सभी प्रकार के अंतरियों में से चार प्रकार का अंतर्य आप जानते हैं ना, स्थानकृत अंतर्य, गुणकृत अंतर्य, मात्राकृत अंतर्य और अर्थकृत अंतर्य, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा बलवान होता है, स्थानकृत अंतर्य। तो स्थानकृत अंतर्य उपलब्ध हो रहा है आकार का आकार के साथ, तो प्रयोग हमारा क्या के स्थान पे गुण क्या होने लग जाएगा, य। और फिर कोई कहे कि फिर भी कोई बात नहीं, अ और अ मिलकर के फिर से आ हो जाएगा, अकह सवर्णे दीर्घ से है ना, तो हो जाएगा क्या, अतो गुणे बीच में आ जाएगा बाधक, अपदांतकार है ना, अपदांतकार से उत्तर गुण के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एक आदेश होके यनम बनने लग जाएगा, प्रयोग क्या अभिष्टता हमें यानम, स्पष्ट हो गया ये। चलिए तो यातिर ल्युटि गुणे विधीयमाने अंतरतम्याद अकारः स्यात्, यात्री धातु को या प्रापणे इस धातु को स्तिप प्रयोग है ये याते है, ठीक है, याति बन जाएगा ना, एक स्तिप धातु निर्देशे या शप स्तिप स्तिप और शप का तो लुक हो जाएगा आदि प्रभृतिभ्यः शपः, तो प्रयोग क्या बनेगा याति, उसका पंचम्यंत है ये, या प्रापणे धातु से लिट प्रत्यय कर लेने पर गुणे विधीयमाने गुण विधीयमान होने पर अंतरतम्याद अकारः स्याद, अंतरतम्य के कारण से सादृश्य के कारण से सदृशतमता के कारण से सदृशतम होने के कारण से अकार होने लग जाएगा, ततश्च द्वयोर अकारयोः अतो गुणे पर रूपत्वे कृते यनम इति अनिष्टम रूपम स्याद, ततश्च और फिर माने कब, गुण हो जाने पर, अंतरतम्य से अकार गुण हो जाने पर द्वयोः अकारयोः दोनों अकारों का, किन दोनों अकारों का, एक जो गुण अभी अकार हो गया है और एक अनका अकार, इन दोनों अकारों के स्थान पर अतो गुणे पर रूपत्ते कृते, अतो गुणे सूत्र से पर रूपत्व कर लेने पर यनम इति अनिष्टम रूपम स्यात्, यनम ये अनिष्ट रूप बनने लग जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं देखिए ग्लायती, ग्लायति प्रयोग को दिखा रहे हैं, इसमें क्या समस्या होगी, ग्लैम लई हर्षक्षये ये धातुएं हैं, अत्र संध्यक्षरस्य ऐकारस्य एकारो गुणः स्यात् ततश्च अयादेशे कृते ग्लयति इति अनिष्टम रूपम स्यात्, आगे जो है वो शित प्रत्यारा है ना, ग्लई धातु है, वैसे तो इसको आत्म हो जाना चाहिए लेकिन वो आत्म तो अशित विषय में ही होता है ना, और हम ग्लायति प्रयोग बनाने जा रहे हैं, तो आगे हम शप प्रत्यय लेके आ रहे हैं, और टिप है लट के स्थान में, तो शप शित होने के कारण से क्या नहीं हो पा रहा है, आत्म तो नहीं हो पा रहा है, और जब आत्म तो नहीं होगा तो ये कह रहे हैं कि शप जो है आपका सार्धातुक संज्ञक प्रत्यय है, सार्धातुक संज्ञक प्रत्यय के परे रहते अंग के अंतिम अल को गुण हो जाता है, कौन सूत्र बोल रहा है, सार्धातुक अर्धातुकयोः, तो गुण करेंगे इसको तो ग्लई को क्या होने लग जाएगा, अंतरतम्य से स्थाने अंतरतमः से ऐ से सबसे ज्यादा मिलता जुलता ए है, तो ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लयति बनने लग जाएगा अनिष्ट रूप एचो यवायावह करके। और जबकि जब हम इको गुण वृद्धि सूत्र बना देते हैं तब तो चूंकि इगंत अंग को गुण वृद्धि होती है और ये इगंत अंग नहीं है,
साधातु का अर्धातु का योग का अर्थ भी उस समय ये रहता है ना, इगंत अंग को गुण होता है, ये इगंत नहीं है, इगंत नहीं है तो इसको गुण नहीं होता, गुण नहीं होता, सीधे एचो यवा यावह लग करके क्या हो जाता है, ग्लाय अति, ठीक है, ग्लायति, ग्लायति शुद्ध रूप बन जाएगा। ऐसे यानम में भी है, जब इको गुण वृद्धि सूत्र रहेगा तो या अंग जो है वो इगंत अंग नहीं है, तो वहां गुण करने वाला सूत्र नहीं आएगा, अकार गुण का विधान नहीं कराएगा, अकार गुण नहीं कराएगा तो या और अन अकह सवर्णे दीर्घ लग करके यानम बन जाएगा, ठीक है। तो इको गुण वृद्धि के होने से तो ठीक प्रयोग सिद्ध होता है, लेकिन इको गुण वृद्धि अगर नहीं है तो ये समस्या आ रही है। और उम्भिता में दिखा रहे हैं आगे, उभ उम्भ पूर्णे त्रिच इट, उभ उम्भ पूर्णे धातु ली हमने और उससे त्रिच प्रत्यय है, इडागम है, अत्र व्यंजनस्य भकारस्य औष्ठस्य ओकारो गुणः स्यात्, ततश्च आवादेशे कृते उमविता इति अनिष्टम रूपम स्यात्। उम्भ पूर्णे धातु ली है, त्रिच प्रत्यय है, नोल त्रिचौ, उम्भ पूर्णे इत संज्ञा होकर के अनुबंध की, ये भकारान धातु है, नूल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय कर लिया, त्रिच का त्रिशेष रह जाएगा और इसको आर धातु का सेड वला देह से इटागम हो गया, इट का ई हो गया, तो ये स्थिति है ना हमारे पास उम्भ इत्रि। इस इत्रि प्रत्यय के परे रहते ये जो है वो आर्धातुक संजक प्रत्यय है, आर्धातुकम शेषः, आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते अंग को गुण होता है, अंग के अंतिम अल को गुण होता है, इको गुण वृद्धि नहीं है तो इतना ही अर्थ होगा, अंग के अंतिम अल को गुण होता है, तो अंग के अंतिम अल को गुण होगा तो भ को गुण होने लग जाएगा। अब भ को जब गुण करेंगे तो कौन प्राप्त हुए, आ ए और ओ, और स्थान की दृष्टि से अंतरतम में देखेंगे तो भकार का और ओकार का स्थान मिल रहा है, उपपद्मानीयाः ओष्ठ्याः, ठीक है, उपपद्मानीयाः ओष्ठ्याः, भकार का स्थान पवर्ग का स्थान क्या है, ओष्ठ्य है, और ओ दौतौ कंठोष्ठ्य, ओकार का स्थान भी कंठोष्ठ है, तो भकार के स्थान पे क्या होने लग जाएगा, ओकार होने लग जाएगा, तो ये बन गया उमो इत्री, और फिर एचो यवायावह लग करके प्रातिपदिक क्या बन जाएगा हमारा, उमवित्री। अब इसके सु में रूप चल जाएंगे तो उमविता बनने लग जाएगा, जबकि इष्ट क्या है, उम्भिता। ये हो गया, हाँ, मकार हलंत है, अब आगे ओकार के स्थान में अव होगा ना, तो अकार जुड़ गया, उमव इत्री, उमवित्री, ठीक है। और अगर इको गुण वृद्धि सूत्र हमारे पास है तो सार्धातु का अर्धातु का योग का अर्थ क्या होता है, इगंत अंग को गुण होता है, और ये इगंत अंग है नहीं, इगंत अंग नहीं है ना, तो यहाँ गुण करने वाला सूत्र आएगा भी नहीं, नहीं आएगा, तो बस इतना ही प्रातिपदिक बन जाएगा, उम्भित्री, उम्भित्री प्रातिपदिक बन जाएगा, यही हमें इष्ट है, इसी का आगे सु में उम्भिता रूप बनेगा ना, ठीक है। इसी संदर्भ में हम पद्मंजरीकार को देखते हैं, इक इति किम्, तो कह रहे हैं प्रधान अवयवाक्षेपेण समुदायस्यैव आक्षेपः, ये बात न्यासकार ने भी शब्दांतर से कही है, इसी को पद्मंजरीकार कह रहे हैं, प्रधान अवयवाक्षेपेण, सूत्र का प्रधान अवयव है इकह, ठीक है, सबसे मुख्य अंश है इकह, उस अवयव पे आक्षेप कर दिया प्रश्नकर्ता ने, तो प्रधान अवयव के आक्षेप के माध्यम से समुदायस्यैव आक्षेपः, संपूर्ण समुदाय पर ही आक्षेप है, पूरे सूत्र पर ही आक्षेप है, ठीक है। तो इसलिए इकह इति किम का अभिप्राय यही है, सूत्रम किमर्थम, ये सूत्र क्यों बनाया है, तो उसका उत्तर क्या दे दिया, सूत्र नहीं बनाएंगे तो अनिष्ट स्थान पे गुण वृद्धि की प्राप्ति होने लग जाएगी। आद संध्यक्षर इत्यादि, अब इस पे पद्मंजरीकार चर्चा कर रहे हैं, देखिए, ननु गापोष्टक इति टकह कित कर्णम सामग इत्यादौ अल्लोपार्थम ज्ञापकम अकारस्य गुणो न भवति इति, अभी आगे जो है वो भाष्य का विषय भी लेकर के आएंगे बहुत सारा, न्यासकार ने तो केवल काशिका का जितना विषय था उस पर ही वो रुक गए,
लेकिन ये कह रहे हैं ज्ञानम में हमने दिखाया ना कि आकार को गुण हो जाता है ना, आकार को गुण होने हो जाता है, नहीं होने लग जाएगा अगर हम इको गुण विधि सूत्र नहीं बनाते हैं तो, यानम में आकार को गुण होने लग जाएगा। ये एक प्रयोजन दिया है, आकार को अनिष्ट गुण की प्राप्ति ना हो इसलिए इको गुण विधि सूत्र बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कोई जिज्ञासु व्यक्ति ऐसे पूछ रहा है कि हमें आकार के स्थान पे गुण ना हो इसके लिए इको गुण विधि सूत्र बनाने की तो शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? ननु गा पोष्टक इति टकह कित करणम। गा पोष्टक सूत्र में टक प्रत्यय है, टक को कित किया है ना, तो गा पोष्टक सूत्र में टक का ये जो कित करण है वो किस लिए, किस प्रयोजन के लिए होगा? सामग इत्यादौ अल्लोपार्थम ज्ञापकम। ये कित करण सामग इत्यादि प्रयोगों में आकार के लोप के लिए है, आकार लोपार्थम ज्ञापकम, आकार के लोप के लिए ज्ञापक है। आकार से गुणों न भवती इति, कि आकार को गुण नहीं होता। देखिए गा पोष्टक का अर्थ क्या है, कर्म उपपद रहते गा धातु से और पा धातु से टक प्रत्यय हो जाता है। तो इसी प्रयोग को ले लें हम, साम गायति इति सामग या सामानी गायति, सामानी गायति, तो स्थिति ये हो जाएगी ना सामानी गायति में, सामन और आम है और गई धातु है उसको आदेश उपदेश स्थिति होकर के आत्तु हो जाएगा गा और टक, ये स्थिति रहेगी हमारी। ठीक है, टक का क्या हुआ, इत संज्ञा करने पे अ बच गया। और ये कित प्रत्यय है, अजादि किंगित आर्धातुक प्रत्यय है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, आतो लोप इतिच हो जाएगा। तो उत्तर पद में क्या रहेगा, आकारांतंग का लोप हो जाता है अजादि किंगित के परे रहते, अजादि किंगित आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते या इडादि आर्धातुक के परे रहते। तो ये अजादि किंगित है, अजादी भी है, कित भी है और आर्धातुक संज्ञक भी है, तो आकार का लोप हो गया। आकार का लोप हो करके क्या बचता है हमारे पास उत्तर पद में, ग। और हम समास कर लेते हैं उपपद समास, तो आम का लुक हो जाता है, सामन के न का न लोपह प्रातिपदिकांतस्य से लोप हो जाता है, तो पद क्या बन जाता है हमारा प्रातिपदिक, सामग, ये प्रातिपदिक बन जाता है। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं ये, ननु गापोष्टक इति टकह कित करणम सामग इत्यादौ आलोपार्थम। गापोष्टक आदि प्रयोगों में जो टक का कित करण है, जो कि किस प्रयोजन के लिए है, कित करण क्यों किया गया यहाँ पे, जिससे कि आकार का लोप हो सके। कित करण आकार लोप प्रयोजन के लिए है ना, कह रहे हैं कि यही कित करण ज्ञापक बनता है। किस बात में ज्ञापक बनता है, कि आकार को गुण नहीं होता। देखिए किस तरह से ज्ञापक बना रहे हैं, अगर आकार को गुण होता होता, आकार को गुण होता होता तो आचार्य प्रत्यय ट ही बना देते केवल, ठीक है, कित ना करते और ट बना देते, ट का अ बचता, फिर अ के परे रहते हम क्या कर लेते, सार्धातु कार्धातु का योह से गुण कर लेते इसको, आ जैसे अभी यानम में दिखाया है, ठीक है, वैसे ही इसको भी गुण करके ये क्या बचता, ग अ ऐसा बचता, और फिर अतो गुणे से ग रूप ही उत्तर पद में सिद्ध हो जाता, जो कि हमें अभिष्ट है, ऐसा ही तो चाहिए, ऐसा ही चाहिए और ऐसा ही सिद्ध हो जाता। लेकिन फिर भी आचार्य कित करण कर रहे हैं, तो आचार्य देख रहे हैं कि आकार को गुण नहीं होता, ठीक है, अगर आकार को गुण होता होता तो आचार्य को कित करने की आवश्यकता नहीं थी ना, लेकिन फिर भी आचार्य ने कित किया है, तो वो कित व्यर्थ होकर के ज्ञापित कर रहा है कि आचार्य ऐसा देखते हैं कि आकार के स्थान में आकार गुण नहीं होता है, ठीक है। तो इस ये बात तो प्रकारांतर से सिद्ध हो गई ना, कि आकार को गुण नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या बनाने की आवश्यकता नहीं है, इको गुण विधि सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या पूछ रहे, किस चीज का निषेध था, वो तो तब होगा ना जब कित करेंगे, जब कित करेंगे तब निषेध होगा ना किंगिति चसे। लेकिन ये तो कह ही ये रहे हैं कि देखो अभी क्या किया आपने, टक को कित किया है, क लगाया है यहाँ पे, किस लिए लगाया, कि आप आचार्य ऐसा चाहते हैं कि आतो लोप इटीच हो जाए, आतो लोप इटीच होकर के हमारा उत्तर पद में क्या शब्द बन जाए, ग, ये शब्द बन जाए, ठीक है, इसलिए कित करण किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कित किया हुआ है ना,
यही ज्ञापक है इस बात में कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं आकार को गुण नहीं होता है। कैसे ज्ञापक है? तो कह रहे हैं कि देखो, अगर आकार को गुण होता होता, कल्पना करो कि आकार को गुण होता होता, तो फिर आचार्य को टक प्रत्यय को कित करने की आवश्यकता नहीं थी। टक प्रत्यय ना बना के क्या प्रत्यय बनाना चाहिए था? ट, इतना ही प्रत्यय बनाना चाहिए था। और ट प्रत्यय बनाते तो ट में जो है वो ट में इत संज्ञा होकर के क्या रहता? अ मात्र रह जाता। और ये अ आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय है, इसके परे रहते सार्धातुक आर्धातुक से गा को क्या आदेश, गा को क्या गुण हो जाता? ग। आ को अगुण हो जाता और फिर हम अतो गुणे लगा करके क्या बना लेते? ग बना लेते। ठीक है, तो आचार्य को तो ये सारी प्रक्रिया पता ही थी ना। अगर आचार्य ऐसे देखते कि आकार को अकार गुण होता है तो फिर आचार्य को यहाँ पे कित नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो वो कित कर रहे हैं, क्योंकि कित करना तो व्यर्थ है ना, अगर आकार को गुण होकर के क्या हो जाता है, अगर आकार को गुण होकर के आकार हो जाता है तो फिर जो है कित करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कित भी तो इसीलिए किया था आकार का लोप होके ग बन जाए। ठीक है, और बिना कित किए भी हमारा वही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ग बन रहा है, तो फिर कित करना तो व्यर्थ है। तो इसका मतलब, लेकिन फिर भी आचार्य ने तो कित किया है, तो आचार्य क्या देख रहे हैं कि आकार को गुण नहीं हो पाएगा। जब आकार को गुण नहीं हो पाएगा तो ग ऐसी स्थिति रहेगी, तो फिर ग बनेगा ना, यहाँ पे ग नहीं बन पाएगा, बनाना है हमें ग। तो उस ग को सिद्ध करने के लिए फिर कित करना सार्थक होता है, जिससे आतोलोपाई टीचर लग करके क्या बन सके? ग बन सके। ठीक है, आप बताओ कैसे कह रहे हो कि नियम के लिए भी हो सकता है? जैसे कि इको गुण वृद्धि सूत्र नहीं बनाया, इको गुण वृद्धि सूत्र नहीं बनाया, तो फिर यहाँ पे गा पे गा को गुण की प्राप्ति है, गा को गुण की प्राप्ति है, फिर लेकिन इनको इस स्थान पे नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना ही तो प्रयोजन नहीं है ना भाई। अंतिम प्रयोजन ये देखा जा रहा है कि ग रूप चाहिए, तो ग रूप चाहिए तो उनको गुण तो करना ही अभिष्ट था, फिर गुण करते तभी तो। देखो, अगर यहाँ पे जो है वो गुण नहीं हो पाएगा तो ये रूप थोड़े बनता है, गुण नहीं हो पाए तो ये रूप अपने आप नहीं बनेगा, इसके लिए फिर प्रकार अंतर की, सूत्र अंतर की सहायता लेनी पड़ेगी, या तो लोपाई टीचर की। और अगर गुण प्राप्त हो रहा है तो आपका अभिष्ट रूप सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आचार्य ने जो है वो गुण को रोकने के लिए कित कर दिया, कम से कम इस प्रयोग में। तो उसी को दिखा रहा है जिज्ञासु, शंका कर रहा है, ननु गा पोष्टक इति टकह कित करणम सामग इत्यादौ अलोपार्थम। गा पोष्टक सूत्र में टक प्रत्यय का कित करण सामग इत्यादि प्रयोगों में आकार लोप के लिए है, जो आकार लोप के लिए कित करण है। अन्वय ऐसा कर लीजिए, ननु गा पोष्टक इति टकह कित करणम, कितकर्णम वर्तते सामग इत्यादौ आलोपार्थम, यत् कितकर्णम वर्तते तत् ज्ञापकम्, वो ज्ञापक है। किस बात का ज्ञापक है? आगे क्या लिखा है? अकारस्य गुणो न भवति, अकारस्य लिखा है, आकार कर लीजिए उसको, आकार से गुणो न भवति इति। किस बात का ज्ञापक है? कि आकार को गुण नहीं होता है, इस बात का ज्ञापक है। यदि ही स्यात्, अगर होता होता, क्या होता होता? आकार को गुण होता होता, तो गुणे कृते, गुण कर लेने पर अल्लोपे च सिद्धम स्यात् सामगः। अगर होता होता तो गुणे कृते, गुण कर लेने पर, और एक कार्य की प्राप्ति दिखा रहे हैं हमने थोड़ा ये किया है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गुणे कृते, गुण कर लिया गा को, ग गुण कर लिया, और कह रहे हैं अतो गुणे की भी नहीं आवश्यकता है, इसके परे रहते अतो लोपः से क्या हो जाएगा? आकार का भी लोप हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? ग अपने आप ही बन जाएगा। गुणे कृते अल्लोपे च सिद्धम स्यात् सामगः। ये अंग कार्य है ना, अंग कार्य ज्यादा बलवान होता है वर्ण कार्य से। अतो गुणे वर्ण कार्य है, वो भी प्राप्त था अतो, और अतो गुणे भी प्राप्त था, अल्लोपह भी प्राप्त था, तो अल्लोपह ही होगा। ठीक है, अतो लोपह सूत्र से अकार का लोप ही होगा, तो अकार का लोप करने पर सामग सिद्ध हो जाता। उसी तरह से जिज्ञासु और भी आगे शंका कर रहा है, ग्लायति इत्यादौ तथा ग्लायति इत्यादौ संध्यक्षराणाम अपि उपदेश सामर्थ्याद गुणो न भविष्यति।
उसी प्रकार से जो आप दिखा रहे हो ना कि संध्यक्षरों को गुण ना हो, इसके लिए हमने इको गुण वृद्धि सूत्र बनाया, वो भी ठीक नहीं है आपकी बात। क्यों? संध्यक्षरों को अपने आप ही गुण नहीं हुआ करेगा। क्यों नहीं होगा? कह रहे हैं तथा ग्लायति इत्यादौ संध्यक्षराणाम अपि उपदेश सामर्थ्यात्। उसी प्रकार से ग्लायति इत्यादि प्रयोगों में संध्यक्षरों का भी उपदेश सामर्थ्य से ही, संध्यक्षरों को भी उपदेश सामर्थ्य से ही गुण नहीं होगा। उपदेश सामर्थ्य क्या है उसको आगे स्वयं ही दिखा रहे हैं। इतरथा प्रक्रिया लाघवार्थम एकारम एव उपदिशेत। नहीं तो फिर क्या होता कि प्रक्रिया लाघव के लिए आचार्य को जो है वो ग्लई धातु का उपदेश नहीं करना चाहिए था, स्वयं ही क्या कर देना चाहिए था, धातु पाठ में ही ग्ले कर देना चाहिए था। देखिए दो ही तो स्थितियां हैं, ग्लई धातु है, धातु से दो ही प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तिंग। ठीक है, तो तिंग जो है वो उसमें शित भी, कृत और तिंग दोनों में ही शित भी आ जाएंगे और अशित भी आ जाएंगे। तो जो शित है उसमें जो है वो हमेशा उसकी आर्धातुक संज्ञा होकर के क्या हो जाना है, आर्धातुक या सार्धातुक कोई एक संज्ञा तो हो ही जाएगी ना। जो अशित प्रत्यय है उसमें तो ग्लई को जो है हम ग्ले धातु मान लीजिए, धातु पाठ में ग्ले धातु का उपदेश कर रहे हैं आचार्य, तो उसको जो है वो सब अशित प्रत्ययों में आत्व हो जाएगा, है ना। सारे के सारे जो अशित प्रत्यय हैं वहां पे तो पहले से ही आत्व हो जाएगा, और जो शित प्रत्यय हैं उनको कह रहे हैं कि वो सारे सार्धातुक संजक रहेंगे। ठीक है, सार्धातुक संजक रहेंगे तो ग्ले को तो अब गुण करने की आवश्यकता नहीं है ना। ग्लई अगर धातु थी, ग्लई धातु थी तो अशित में तो उसको आत्व हो रहा था, और ग्लई धातु थी उसको शित में हमेशा क्या हो जाया करेगा, गुण हो जाएगा, तो ग्ले रूप ही हमेशा बनेगा, है ना, ग्ले रूप हमेशा बनेगा। तो आचार्य ग्ले का ही उपदेश कर देते ना, ग्ले का उपदेश कर देते तो भी अशित में ग्ला ही बन जाता एकार को आकार हो करके, और हमें यहाँ पे गुण नहीं करना पड़ता, पहले से ही गुण है, प्रक्रिया लाघव हो जाता ना। ग्लई को हमेशा जो है वो शित में क्या हो जाना है, गुण हो ही जाना है, सार्धातुक आर्धातुक कयो हो करके ग्लई को गुण हो के ग्ले बन ही जाना है। तो आचार्य स्वयं ही क्या कर देते, ग्ले का ही उपदेश कर देते, प्रक्रिया लाघव हो जाता। ठीक है, देव शक्ति जी क्या कह रहे हो? एक दृष्टि को देख रहे हैं ना ये तो, मतलब जब शीत होगा तब देख रहे हैं, नहीं दोनों तरफ से देख रहे हैं, दोनों जगह। अशित में तो ऐसा ग्ले नहीं बनेगा, अशित में तो ग्ले नहीं रहेगा ना वहाँ तो, अशित भाई ग्ला रूप ही तो बन जाता है ना। हाँ। चाहे आप धातु पाठ में ग्ले पढ़ो या ग्लई पढ़ो, अशित प्रत्ययों में हमेशा क्या बन जाएगा, ग्ला ही बन जाएगा। तो अईकार उपदेश का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहा ना, अईकार उपदेश का तो यहाँ पे ही विशेष प्रयोजन आएगा शित में, कि अई को क्या हुआ करे, आय हुआ करे। ठीक है, और वो प्रयोजन तो नष्ट ही हो जाएगा जब आप ग्लई को पहले गुण कर दोगे तो। ठीक है, यही उपदेश सामर्थ्य है। ये कहा ना कि ग्लई आदि जो संध्यक्षर धातुएं हैं उनको भी उपदेश सामर्थ्य से गुण नहीं होता, ग्लई को ग्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कह रहे हैं कि देखो अशित प्रत्ययों में तो एक समान स्थिति है, ग्लई करो या ग्ले करो उसको ग्ला बन ही जाना है। शित प्रत्ययों में ही तो अंतर पड़ता है अई और ए का। ठीक है, आचार्य अई उपदेश कर रहे हैं, अगर आचार्य ऐसा देखते कि संध्यक्षरों को भी गुण हो जाता है तो उनको पता है कि ग्लई को ग्ले हो जाएगा और ग्ले को फिर ग्लय बनेगा, ग्लाय नहीं बन पाएगा, ये तो आचार्य को पता ही है ना। तो उनको पता है कि हमें, मैं ग्लई पढ़ रहा हूं फिर भी हमेशा इसको ग्ले हो जाएगा, तो ग्लई पढ़ने में प्रयोजन क्या है फिर, ग्लई पढ़ने में तो कुछ प्रयोजन नहीं है ना। फिर तो धातु पाठ में वो किस रूप की कल्पना करते, धातु के ग्ले रूप की ही कल्पना करते, इसी को वचन सामर्थ्य कह रहे हैं। फिर भी ग्ले ना करके जो आचार्य ने ग्लई उपदेश किया है उससे हम ये जानते हैं कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि संध्यक्षर को गुण नहीं होता है। ठीक है, ये यही तो कह रहे हैं। देखिए पहले पंक्तियां पढ़िए फिर दोबारा इसको पढ़ेंगे। यथा तथा ग्लायति इत्यादौ संध्यक्षराणाम अपि उपदेश सामर्थ्यात् गुणो न भविष्यति। उसी प्रकार से ग्लायति इत्यादि प्रयोगों में, जैसे आकार को दिखाया ना जिज्ञासु ने कि आकार को गुण ना हो इसके लिए इको गुण वृद्धि बनाने की आवश्यकता नहीं है, टक का कित करण ही ज्ञापक बन जाएगा कि आकार को गुण नहीं होता है। उसी प्रकार से ग्लायति इत्यादि प्रयोगों में जो आप दिखा रहे हैं कि संध्यक्षर को गुण ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संध्यक्षर को गुण ना हो, ग्लई
शप्तिप, संज्ञक को गुण ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इको गुण वृद्धि सूत्र बना रहे हैं। ये प्रयोजन बताया था ना काशिकाकार ने, काशिकाकार ने ये प्रयोजन बताया कि ग्लई शप्तिप इस स्थिति में शप प्रत्यय के परे रहते ग्लई को गुण ग्ले ना हो इसके लिए हमने क्या बनाया है, इको गुण वृद्धि। क्योंकि इको गुण वृद्धि है तो इगंत अंग को ही गुण होता है, ये इगंत अंग नहीं है, ठीक है, और इको गुण वृद्धि नहीं है तो ये सामान्य अंग है, और सामान्य अंग के अंतिम अल को आप गुण कर रहे हैं तो अकार को भी गुण एकार प्राप्त होने लग जाएगा, ये अनिष्ट गुण प्राप्त होने लग जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इको गुण वृद्धि सूत्र बनाना है, ये काशिकाकार ने कहा था, ठीक है। अब कोई व्यक्ति काशिकाकार पर आक्षेप कर रहा है या काशिकाकार के इस प्रयोजन का खंडन कर रहा है, प्रत्याख्यान कर रहा है कि इस प्रयोजन के लिए तो आपको सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इको गुण वृद्धि सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रयोजन कि ग्लई को गुण क्या ना हो, ग्ले ना हो, ये अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। किस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा, ये जो आचार्य इस धातु को अकारांत उपदिष्ट कर रहे हैं इसी उपदेश सामर्थ्य से ही, इसी उपदेश सामर्थ्य से ही क्या बात सिद्ध हो जाएगी कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि संधि अक्षर को गुण नहीं होता है, अकार के स्थान पे एकार गुण नहीं होता है। तो वो उपदेश सामर्थ्य कैसे देखेंगे हम, कि देखो अगर जो है वो अकार को एकार हो जाता, ठीक है, अकार को एकार हो जाया करता हमेशा गुण हो करके, तो कह रहे हैं कि आचार्य को धातु पाठ में ग्ले ही नहीं पढ़ना चाहिए था, ग्ले ही पढ़ना चाहिए था फिर, ठीक है, क्योंकि ग्लई के दो ही तो रूप संभव हैं, या तो उसको ग्ला हो जाएगा, आत्त हो जाएगा, या तो उसको आप कह रहे हैं कि हमेशा गुण हो जाया करेगा, तो इससे अच्छा तो ग्लई पढ़ने से अच्छा हम ग्ले ही पढ़ देते, ग्ले के भी दो ही रूप बनते, एक ग्ला बनता एक ग्ले ही रहता, ठीक है। हाँ, जहां शित होता है वहां तो एक ही रूप, वहां तो ग्ले ही चाहिए ना, ग्लई को अभी कह रहे हैं कि देखो दूसरा रूप तो आपको ग्ला ही चाहिए, अशित प्रत्ययों में वो दोनों का एक ही बनेगा, ग्लई लो या तो ग्ले लो एक ही बनेगा, वहां कोई अंतर नहीं है, और शित प्रत्ययों में आप कह रहे हो कि ग्लई को हमेशा ग्ले हो जाया करेगा, तो आपके मतानुसार तो फिर आचार्य को ग्ले ही पढ़ देना चाहिए था प्रक्रिया लाघव के लिए, ठीक है, ये गुण वाला सूत्र नहीं करना पड़ता ना हमें, फिर प्रक्रिया में ग्ले धातु ही पढ़ देते साक्षात, तो ग्ले का जो है वो शित प्रत्ययों में ग्ले रूप ही अभिष्ट है हमें, आगे अयादि कार्य तो होंगे वो तो ठीक है, लेकिन ग्ले रूप ही तो चाहिए, तो ग्ले मिल जाएगा अपने आप से बिना कोई कार्य किए, बिना कोई प्रक्रिया किए, और अशित में हमें ग्ला चाहिए तो वो तो ग्ले का भी ग्ला ही बन जाता है। ऐसा देखते हुए भी आचार्य जो है वो ग्ले उपदेश नहीं कर रहे, अगर गुण होता होता है ना, ग्लई को गुण होके ग्ले बन जाता होता तो आचार्य को क्या कर देना चाहिए था, अपने आप से ही प्रक्रिया लाघव के लिए धातु पाठ में ग्ले का ही उपदेश कर देना चाहिए था, लेकिन आचार्य वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं फिर, तो आचार्य जो है वो कहीं भेद देख रहे हैं रूप में, आचार्य जो है वो ऐसा देख रहे हैं कि ग्लई को गुण होकर के एकार नहीं होता है, अगर एकार हो जाता तो फिर इसका उपदेश करना ही व्यर्थ है, इस अकार पढ़ने का कोई विशेष लाभ तो मिला ही नहीं ना कहीं पर भी, अकार पढ़ने का विशेष लाभ यही है कि ग्लायति में आय हुआ करे इसके स्थान में, वो विशेष लाभ मिल नहीं पाएगा अगर आप ग्लई को भी क्या कर दें, ग्ले गुण कर दें, ठीक है, तो विशेष लाभ कुछ, जब अकार पढ़ने का कोई विशेष प्रयोजन हुआ ही नहीं तो ये तो व्यर्थ है ना, तो व्यर्थ है तो आचार्य को ग्ले ही पढ़ना चाहिए था, ग्लई नहीं पढ़ना चाहिए था, फिर भी आचार्य ने ग्लई उपदेश किया है, तो इससे हमें पता चलता है कि आचार्य क्या देख रहे हैं कि अकार को गुण होके एकार नहीं होता है, संधि अक्षरों के स्थान में गुण नहीं होता है, तो संधि अक्षरों को गुण नहीं होता है तो हमें, हम जो प्रयोजन दिखा रहे हैं कि इको गुण वृद्धि इसलिए बनाया कि संधि अक्षरों को गुण ना हुआ करे, वो बात भी कहना ठीक नहीं है, ये जिज्ञासु ने आक्षेप किया, ठीक है। आगे देखिए जिज्ञासु तीसरे प्रयोजन का भी खंडन कर रहा है, तीसरा प्रयोजन क्या था, व्यंजनानां माभूत, तीन प्रयोजन दिए ना इस सूत्र को बनाने के लिए, आकार को गुण ना हो, संध्यक्षर को गुण ना हो, व्यंजन को गुण ना हो जाए, तो दो प्रयोजनों का तो खंडन कर दिया जिज्ञासु ने, अब तीसरे प्रयोजन के लिए कह रहे हैं व्यंजनानां माभूत, इस प्रयोजन के लिए भी हमें इको गुण वृद्धि सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है,
जनेर डह इति डित करणाद व्यंजना नाम अपि गुणो न भविष्यति जनेर। हाँ जी, जो संध्याक्षर है उसमें अवकार को कहीं पे गुण नहीं होता क्या? क्या अवकार के स्थान में गुण प्राप्त नहीं होता कहीं पर भी? अवकार के स्थान पे? अवकार, अवकार, अवकारांत कोई धातु होगी तो हो सकता है, क्योंकि धातु से विहित प्रत्ययों की सार धातु का अर्धातुक संज्ञा है, तो धातु पाठ निकाल के देखो। मेरे ख्याल से तो अवकारांत कोई धातु है नहीं आपकी। ओदित में तो ओ खुद ही गुण है इसलिए वहाँ दिखा नहीं सकते। ओदित तो होती है धातु, ओदित तो होती है, फिर भी वहाँ ओकार होगा ना। हाँ, ओकारांत हो सकता है, कोई धातु मिल भी जाए तो ओकार को गुण दिखाओगे तो ओकार ही होना है, उसमें तो कोई विशेष नहीं है। और अवकारांत कोई धातु मिलनी मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। जनेर डह इति डित करणाद व्यंजना नाम अपि गुणो न भविष्यति। जनेर डह सूत्र है ना, सप्तम्यंत के उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय हो जाता है भूतकाल में, तो डितकरण सामर्थ्य से कह रहे हैं व्यंजनों को गुण नहीं होता ये पता चलता है। यदि ही तस्य स्याद अर्धमात्रस्य मात्रिके अकारे गुणे कृते सिद्धम स्याद उपसर्ज इति। अगर जो है व्यंजनों को भी हो जाता, देखिए पहले शब्दशः देख लेते हैं। जनेर डह इति डितकरणा, जनेर डह सूत्र में ड प्रत्यय के डितकरण सामर्थ्य से व्यंजना नामपि गुणो न भविष्यति, व्यंजनों को भी स्वयं ही गुण नहीं होगा। बिना इको गुण वृद्धि सूत्र बनाए व्यंजनों को गुण का निषेध सिद्ध हो जाएगा। कैसे? जनेर ड में ड प्रत्यय के डितकरण सामर्थ्य से। कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं यदि ही तस्य स्याद, कस्य स्याद? व्यंजनस्य स्याद। किम स्याद? गुणः स्याद। यदि ही व्यंजनस्य गुणः स्याद, अगर व्यंजन को गुण होता होता तो फिर अर्धमात्रस्य मात्रिके अकारे गुणे कृते। जन धातु का अंतिम न नकार जो है वो अर्धमात्रिक है ना, उस अर्धमात्रिक को मात्रिक आकार गुण की प्राप्ति होती, और गुण होने पर गुणे कृते सिद्धम स्याद उपसर्ज, बिना डित किए ही उपसर्ज प्रयोग सिद्ध हो जाता हमारा। देखो क्या कह रहे हैं ये, उपसर्ज, उपसरसी जातः, उपसरे क्या है, कुछ भी ले लो, मंदुरायाम जातः, मंदुरज आदि, उपसरे जातः उपसरज, उपसर्गी। जन धातु से ड प्रत्यय करते हैं अभी हम फिलहाल, ठीक है, और ड के परे रहते डितकरण सामर्थ्य से टी भाग का लोप करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, उपपद समास होके गी का विलुप्त हो जाता है, तब हमारा प्रयोग बनता है उपसरज, ऐसा ही बनता है ना, सामान्य प्रक्रिया तो ये है। अब ये कह रहे हैं इसमें कि आचार्य अगर ऐसा देखें कि व्यंजनों को भी क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, अगर आचार्य ऐसा मानते हैं कि व्यंजनों को भी गुण हो जाता है, तो आचार्य को प्रत्यय डित नहीं करना चाहिए, अ ही कर दो, प्रत्यय क्या कर दो, अ ही कर दो, सप्तम्यंत उपपद तो है ही, जन धातु से अ प्रत्यय कर दो, ठीक है, बिना डित किए भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्यों? अप्रत्यय अर्धातुक संज्ञक है, अर्धातुक के परे रहते अंग को गुण होता है, अंतिम अल को गुण प्राप्त होगा, ठीक है, अंतिम अल को गुण प्राप्त होगा अ ए ओ, और अब ये जो अ ए ओ है ये स्थान की दृष्टि से तो मिल नहीं रहे है ना, स्थान की दृष्टि से नहीं मिल रहे, अर्थ आदि की दृष्टि से भी आंतर्य नहीं है, तो कह रहे हैं मात्रा की दृष्टि से आंतर्य लेंगे फिर हम। मात्रा देखेंगे तो नकार अर्धमात्रिक है, इसके स्थान में एक मात्रिक आकार ही अंतरतम रहेगा, सदृशतम रहेगा, तो नकार के स्थान पे क्या कर लेंगे, अकार कर लेंगे, नकार को क्या कर लिया हमने, अकार कर लिया, तो ये स्थिति बनेगी ना, और अब इस अकार का पहले की तरह तो लोप से लोप कर लेंगे, फिर भी एक आकार बच गया, इसका जो है वो अतो गुणे कर लेंगे, तो उत्तर पद में क्या मिल जाएगा, ज मिल जाएगा, बिना प्रत्यय के डित किए भी काम चल गया ना, बिना प्रत्यय के डित किए भी जो है हमारा इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा, अगर आचार्य क्या देखें, अगर आचार्य ऐसा स्वीकार करें कि व्यंजन को भी गुण हो जाता है, ठीक है,
अगर आचार्य ऐसा स्वीकार करें कि व्यंजन को भी गुण हो जाता है तो प्रत्यय में डितकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य प्रत्यय को डित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि टी भाग का लोप हो जाए, इसीलिए तो कर रहे हैं ना, डित करने का तो एक ही प्रयोजन है। तो इसका मतलब आचार्य क्या देख रहे हैं, उस प्रकार से सिद्धि नहीं देख रहे हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आचार्य ऐसा नहीं देख रहे हैं कि व्यंजन को भी गुण हो जाता है। अगर व्यंजन को गुण देखेंगे तो टी भाग के लोप के लिए इसको डित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी डित कर रहे हैं तो वो डित करण व्यर्थ होके क्या ज्ञापित कर रहा है कि आचार्य ऐसा देखते हैं। देखो, डित करण तो तभी सार्थक हो सकता है ना, जब यहाँ पे न के स्थान पे गुण ना हो रहा, ठीक है। अगर बिना, अगर हम गुण कर दें तो बिना डित के भी तो काम चल रहा था ना, तो डित करण तो व्यर्थ ही हो जाएगा इस प्रक्रिया में। लेकिन आचार्य ने डित किया है और वो सार्थक है, व्यर्थ नहीं हो सकता। आचार्य द्वारा उच्चरित या आचार्य द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ नहीं हो सकता ना। तो आचार्य द्वारा किया गया कार्य डित करण कैसे सार्थक हो सकता है? अगर आचार्य ये देखते हैं कि व्यंजन को गुण नहीं हो पा रहा है तभी सार्थक हो सकता है, ठीक है, तभी सार्थक हो सकता है। तो इसलिए जिज्ञासु कह रहा है, डितकरण सामर्थ्य से हम ये भी पता कर लेंगे कि आचार्य देख रहे हैं व्यंजन को गुण नहीं होता है। तो तीन प्रयोजन दिए थे, तीनों का जिज्ञासु ने अभी तात्कालिक रूप से प्रत्याख्यान कर दिया। हाँ जी, ये न को जो अ किया है उसको अतोलोप लोप किया है, अतोगुण अतोलोप, फिर उसके बाद ज में जो अ है उसका भी, उसका अतोगुण से अब कर लीजिए, उसका अतोलोप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? अतोलोप करोगे तो असिद्ध हो जाएगा ना बीच वाला अ, जो जिसका हमने पहले लोप किया है वो असिद्ध हो जाएगा ना, असिद्ध वदत्राभात प्रकरण का सूत्र है ना, तो इसलिए अतोगुणे की प्राप्ति दिखा देंगे। दीदी, ये जो आप असिद्ध वदत्राभात प्रकरण जब लगाते हैं उसी सूत्र को करने में वही सूत्र भी असिद्ध हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। इसके बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, चिन्ह लुक के करने में चिन्ह लुक ही असिद्ध हो जाता है। दूसरे कार्य के करने में समान निमित्त होना चाहिए, निमित्त समान है ही, निमित्त समान हो और उसी प्रकरण के दो कार्य हो तो एक कार्य जो है वो असिद्ध हो जाएगा दूसरे कार्य के करने में, लेकिन वही कार्य हो तो भी असिद्ध हो जाएगा, निमित्त समान है तो। कार्य को करने में क्रम का कोई वो नहीं है, बस इस प्रकरण में होने चाहिए। हाँ, दो सूत्र। हाँ, क्रम का कुछ नहीं है, पूर्व सूत्र या पर सूत्र ऐसा कुछ नहीं है। पहले किया हुआ जो कार्य है, हमने जो पहले कार्य कर लिया है वो असिद्ध हो जाएगा दूसरे कार्य के करने में। तो ये सारी बातें अब एक तरह से जिज्ञासु ने कह दी, ठीक है। अब आगे देखिए, यद्येवं मिदेर गुणो अंत्याद व्यावर्तितः सर्वादेशः स्यात्। अब समाधाता जो है आक्षेप कर रहा है कि ठीक है, आपने सब जगह बता दिया कि आकार को गुण ना हो इसके लिए भी हम अन्य प्रक्रिया कर लेंगे, टक के कितकरण को ज्ञापक मान लेंगे, संध्यक्षर को गुण ना हो इसके लिए आचार्य के ऐकार उपदेश को, ग्लय के ऐकार उपदेश को और जो है प्रमाण मान लेंगे, वचन सामर्थ्य मान लेंगे, और व्यंजनों को गुण ना हो इसके लिए भी जनेर डह आदि के जो ड प्रत्यादि का कितकरण डितकरण है उसको ज्ञापक मान लेंगे। लेकिन इको गुण वृद्धि सूत्र अगर आप नहीं बनाएंगे तो मिदेर गुणो अंत्याद व्यावर्तितः सर्वादेशः स्याद। मिदेर गुण सूत्र से जो मिद को हम गुण करते हैं वो अंत्याद व्यावर्तितः अंत्य वर्ण से हटाया गया हुआ सर्वादेशः स्याद, सर्वादेश होने लग जाएगा। तीसरे पक्ष में दोष दे रहे हैं ये जो अभी अभी कह के आए हैं ना कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि अंतिम अल को तो गुण हो नहीं सकता, ठीक है। ये ज्ञापित किया है ना हमने जनेर डह के डितकरण से, क्या ज्ञापित किया कि अंतिम अल को गुण नहीं हो सकता। अब मिदेर गुण सूत्र बनाया हुआ है और इको गुण वृद्धि नहीं है तो मिदेर गुण मिद त्रिच ही ले लीजिए, ठीक है, सामान्य रूप से कोई भी ले लीजिए मिद त्रिच। वैसे तो मिदेर गुण विशेष के लिए है ना, जहां स्वयं बाधित हो जाता है, मिद शन मेदित मेद्यति आदि प्रयोगों के लिए मिद शन टिप। अब ये शन जो है वो शित प्रत्यय है, सार्धातुक है, सार्धातुक के परे रहते मिद अंग को गुण होता है, इतना ही अर्थ प्राप्त होगा ना हमें। इको गुण वृद्धि तो है नहीं तो मिद अंग के इक को तो हो नहीं सकता, मिद अंग को गुण प्राप्त होगा और अलोन्त्यस्य से द को होने लगता। और अभी आपने ज्ञापक बना दिया कि
व्यंजन को हो नहीं सकता, व्यंजन को नहीं हो सकता, तो इससे पहले वाली क्या स्थिति थी? अलोन्त्यस्य से पहले वाली मिद अंग को गुण प्राप्त हो रहा था, ठीक है, अलोन्त्यस्य के कारण इसको प्राप्त हुआ ना। अलोन्त्यस्य अगर नहीं लग पा रहा है, द को गुण नहीं हो पा रहा है, तो फिर संपूर्ण मिद अंग को गुण प्राप्त होने लग जाएगा। समाधाता वो दोष दिखा रहा है, यद्येवं मिदेर गुणो अंत्याद व्यावर्तितः सर्वादेशः स्यात्। अगर ऐसा कहेंगे आप कि व्यंजन को गुण नहीं होता, ये हम डितकरण से ज्ञापित कर लेंगे, तो मिदेर गुण वो अंत्य से व्यावृत्त हुआ हुआ, हटाया गया हुआ, फिर क्या होने लगेगा? सर्वादेश ही होने लगेगा, संपूर्ण मिद को गुण होने लगेगा। किमच, और भी दोष दिखा रहे हैं, किमच गमेर अपि अयम डो भवति। गम धातु से भी क्या होता है? ये ड प्रत्यय होता है, गम धातु से भी होता है, वहीं पे विधान है ना। नहीं, जनेर डह है और गमश्च सूत्र है एक, देखिए, अंतात्यंता ध्वदूर पार सर्वानंतेषु डह, और इसमें अनुवृत्ति आ रही है गमश्च सूत्र से गमह की, ठीक है। और वैसे भी जो है वो भी जो प्रकरण है ना सप्तम्याम जनेर डह आदि, वहां पे भी बहुत सारी वार्तिकें बनाई हुई है, अन्य धातुओं से भी दृष्ट है, तो दुर्गह सुगह आदि प्रयोग वहां भी बनाते हैं, तो गम धातु से ड प्रत्यय विहित है ही, अनंत गह आदि तो बनते ही हैं यहाँ पे। अंतात्यंता ध्वदूर पार में गमह की अनुवृत्ति आ रही है, अंत आदि शब्दों के ऊपर रहते गम धातु से ड होता है। तो समस्या क्या है, इनको कह रहे हैं किंच गमेर अपि अयम डो भवति, ये ड प्रत्यय किससे भी होता है? गम धातु से भी होता है। तस्य च स्थानतः अंतर्याद ओकारो गुणः स्यात्, वहां और समस्या आ जाएगी। जन धातु के प्रसंग में तो आपने दिखा दिया कि बिना डित के भी हमारा काम चल रहा था, ठीक है। अगर आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि व्यंजन को गुण हो जाता है, अगर आचार्य ऐसा देखते हैं व्यंजन को गुण हो जाता है, तो हमारा कार्य बिना डितकरण के भी हो सकता है, ये आपने दिखा दिया था। लेकिन ये ड प्रत्यय केवल एक जन धातु से ही थोड़े विहित है, गम से भी विहित है, और जब गम से विहित होगा तो वहां डित करने से ही कार्य चलेगा। अंतम गच्छति इति अंतगः, ये प्रयोग चाहिए हमें, क्या चाहिए? अंतम गच्छति इति अंतगः, अंत गस गम, गमरी का जो है वो अनुबंध लोप करके गम बच गया है और उससे ड प्रत्यय कर दिया, ठीक है। ड की इत्संज्ञा होके क्या होता है? अ, और डितकरण से टी भाग का लोप हो जाता है, तो उत्तर पद में हमारा ग बचता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि डितकरण वहां के लिए तो भले ही अनर्थक हो गया, लेकिन डितकरण यहाँ के लिए सार्थक है। जन धातु के प्रसंग में आपने डितकरण को व्यर्थ दिखा दिया था, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, आपका बिना डित के काम चलेगा। मान लीजिए कि गम से अप्रत्यय का ही विधान कर देते, जैसे वहां दिखाया था ना, जन से अप्रत्यय का ही विधान कर देते तो भी काम चलता। तो अगर व्यंजन को आचार्य क्या देख रहे हैं? गुण। तो कह रहे हैं कि देखो, ये अप्रत्यय किया बिना डितकरण के, तो अब जो है ये आर्धातुक प्रत्यय है, आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते मकार को गुण होगा, तार्धातु कार्धातु कयोः अंग को गुण होगा और वो अंतिम अल के स्थान पे होगा। और आचार्य ऐसा अगर देखें कि ऐसा मानते हों अगर कि व्यंजन को भी गुण हो जाता है, तो व्यंजन को गुण क्या प्राप्त होने लगेगा यहाँ पे? ओकार, मकार से सबसे मिलता जुलता क्या होगा स्थान की दृष्टि से? ओकार। उपपद मानियाः ओष्ठ्याः ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ, मिल रहा है ना स्थान की दृष्टि से, तो म को ओ हो जाएगा और म को ओ हो जाएगा, तो हमारा जो इष्ट रूप है ग, वो कैसे भी नहीं बन सकता है। अब ग और ओ ये मिलकर के परस्पर क्या हो जाएंगे? और तो कुछ प्राप्त नहीं है ना, वृद्धि रेची हो जाएगा, अवर्ण से उत्तर एच परे रहते पूर्व पर के स्थान में वृद्धि हो जाती है, तो गव हो जाएगा, और फिर जो है वो एच ओ यवायाव हो जाएगा, तो गाव बनने लग जाएगा ये तो उत्तर पद में। तो डितकरण अगर कहीं भी सार्थक है तो उसको आप व्यर्थ नहीं दिखा सकते। पहले तो ऐसा बोल दिया था ना कि बिना डित के भी हमारा ये उत्तर पद वाला रूप मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये बोल दिया था, ठीक है। तो कह रहे थे डितकरण व्यर्थ है, तो कह रहे हैं कि नहीं, गम के लिए भी तो ड प्रत्यय चाहिए ना, गम में जो हमें उत्तर पद में रूप चाहिए ग, वो तो टी भाग का लोप करने से ही सिद्ध हो सकता है, वो गम के म को गुण करने से सिद्ध नहीं हो सकता।
तो डितकरण तो करना ही पड़ेगा, डितकरण सार्थक है। और जब कोई चीज सार्थक हो जाती है किसी भी प्रयोग के लिए तो उसको आप ज्ञापक रूप में नहीं बता सकते। तो आपने डितकरण से जो ज्ञापक दिखाया था, क्या ज्ञापक दिखाया था कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं व्यंजन को गुण नहीं होता है, वो ज्ञापक समाधाता ने जो है वो खंडित कर दिया। देखिए अब ये विपरीत क्रम से चल रहा है। सबसे पहले कहा था व्यंजना, मतलब आज संध्याक्षर व्यंजनानाम माभूत, तो व्यंजन के बारे में अंतिम में बात हुई है ना, उसी को समाधाता ने पकड़ लिया कि व्यंजनानाम माभूत, इसमें कौन ज्ञापक बन जाएगा, डितकरण, ऐसा आपने कहा था। तो व्यंजनों को गुण नहीं होता, अगर ये बात हम कहें तो एक तो मिदेर गुण हमें समस्या है, वो पूरे अंग को गुण होने लग जाएगा, और साथ में जो आपने ज्ञापक दिया है वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि ज्ञापक व्यर्थ होने पर होता है, किसी चीज के या किसी पद के जो है व्यर्थ होने पर होता है। यहाँ डकार के, यहाँ डितकरण के व्यर्थ होने पे आपने ज्ञापक दिखाया था, लेकिन डितकरण व्यर्थ है ही नहीं। यहाँ पे भले ही आप उसकी व्यर्थता दिखा दें, लेकिन अन्य प्रयोजन के लिए तो वो चाहिए ही चाहिए। गम का रूप ठीक बन जाए उसके लिए हमें डितकरण चाहिए, और डितकरण चाहिए तो ये व्यर्थ नहीं है, तो इससे आप ज्ञापक नहीं निकाल सकते। उसी को कहा, देखिए किंच गमेरप्ययम् डो भवति, ये जो ड प्रत्यय है सुगह आदि में दिखा लीजिएगा आप, क्योंकि ये मतलब अन्य प्रकरण का हो गया ना ये वाला ड प्रत्यय, तो गमश्च से जो ड प्रत्यय कर रहे हैं हम, अंतात्यंता ध्वदूरपार से जो गम से ड कर रहे हैं वो भिन्न प्रकरण का हो गया। उसी प्रकरण में भी वार्तिके हैं, किस प्रकरण में, जनेर डह प्रकरण में वार्तिके हैं, अन्य धातुओं से भी ड प्रत्यय देखा जाता है, तो सुगह दुर्गह आदि प्रयोग वहां बनाते हैं तो वार्तिक से कर लेंगे, अन्यभ्योपि दृश्यते वार्तिक से कर लेंगे। तो ये जो ड है ये गम से भी विहित है। तस्य च स्थानता अंतर्याद ओकारः गुणः स्यात्, तस्य उसको, उसको किसको, गम के मकार को, स्थानतः अंतर्याद स्थान कृत अंतर्य के कारण से ओकारः गुणः स्यात्, ओकार गुण होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आगे कह रहे हैं रई नौ ग्लौ, ये समाधाता विपरीत रूप से खंडन करेगा। सबसे पहले व्यंजन के विषय में जो जिज्ञासु ने बात कही थी उसका खंडन कर दिया, अब संध्याक्षर के बारे में जो बात कही थी उसका खंडन कर रहे हैं। रई नौ ग्लौ शब्देभ्यः आचार क्विबन्तेभ्यः त्रिजादौ गुण प्रसंगो यदि अभिधानम अस्ति, कह रहे हैं कि रई नौ ग्लौ आदि शब्द हैं, ठीक है, उनसे हम आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर लेते हैं, वार्तिक बनाई हुई है ना, आचार्य व गल्भ क्लीब होड्रिभ्य इति वक्तव्यम, और फिर जो है किन्हीं के मत में कहा है कि सभी प्रातिपदिकों से हो जाता है। देखिए तीन एक में है, कर्तुः क्यं सलोपश्च आचार्य अवगल्भ क्लीब होड़ेभ्य क्विब वा वक्तव्य, और इसी के आगे एक वार्तिक बना रखा है सर्व प्रातिपदिकेभ्य इत्येके, आचार अर्थ में सारे के सारे प्रातिपदिकों से क्विब प्रत्यय हो जाता है, ये किन्हीं को अभिष्ट है, तो अश्व इव आचरति, जैसे अश्वायते आदि प्रयोग बनाते हैं, अश्वायते अश्वति आदि, वैसे ये कह रहे हैं कि रई नौ ग्लौ इन शब्दों से हमने आचार अर्थ में पहले क्या कर लिया, क्विप। क्विप क्यों कर रहे हैं ये, जिससे कि धातुत्व आ सके, नहीं तो त्रिच आदि नहीं कर पाएंगे ना, तो पहले क्विप प्रत्यय कर लिया, तो क्विप का तो सर्वापहारी लोप हो जाता है, रई ग्लौ नौ ऐसे ही शब्द बच जाएंगे हमारे पास, फिर उनसे हम क्या करेंगे, त्रिच प्रत्यय करेंगे। क्विबन्ताः धातुत्वं न जहति, क्विबन्त शब्द जो है वो धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं, तो रई नौ ग्लौ आदि धातुएं मिल जाएंगी, इस तरह से उकारांत मिल सकती हैं, सामान्य धातु पाठ में तो संभवतः नहीं ही है। तो ये धातुएं हो गई, धातुओं से हमने त्रिच प्रत्यय कर लिया, तो त्रिजादौ गुण प्रसंगः, त्रिजादि में भी जो है त्रिजादि के परे रहते इनको गुण का प्रसंग प्राप्त होगा, यदि अभिधानम अस्ति, अगर ऐसा अभिधान है तो। जिज्ञासु ने देखिए क्या कहा था, आचार्य का जो ग्लई उपदेश है, ऐकार उपदेश है, वही ज्ञापक है कि ऐकार को गुण नहीं होता है, संध्याक्षरों को गुण नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि रई नौ ग्लौ जो शब्द हैं इनसे आचार क्विबंतों से, आचार अर्थ में जो क्विबंत ये शब्द हैं रई नौ आदि, इनसे त्रिजादि के परे रहते
गुण प्रसंग है, यदि अभिधानम अस्ति, अगर इन शब्दों का अभिधान है तो, अगर ये शब्द लोक में बनते हैं उस तरह से प्रयोग होते हैं तो फिर, माने आपने अनर्थकता कहाँ दिखाई, केवल ग्लई के प्रसंग में दिखा पाए ना आप अनर्थकता, अन्य जगह तो सार्थकता ही है। रई से त्रिच करेंगे, अब जो है वो रई से त्रिच करेंगे तो उसको रे हो जाना चाहिए, फिर अय आदेश होना चाहिए। अब ये हर जगह तो नहीं होगा, रई को आप ऐसा नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि रई तो प्रातिपदिक भी है अलग से, ठीक है, उसको रायो हली आदि आत्व आदि बहुत सारे कार्य अन्य भी होते हैं, तो आप उसकी ग्लई जैसी स्थिति नहीं दिखा सकते कि दो ही तो प्रत्यय हैं, शित और अशित, और जो है वो ग्ले ही उपदेश कर देना चाहिए था। कह रहे हैं कि संधि अक्षरों को अन्य जगह गुण अनिष्ट गुण प्राप्त होने लग जाएगा। अगर आप कहेंगे ना कि इको गुण वृद्धि सूत्र मत बनाओ, ग्लई का इकार उपदेश ही इस बात में ज्ञापक हो जाएगा, तो वो पूरा ज्ञापक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रई आदि को भी तो गुण की प्राप्ति होगी अन्य स्थलों पे, उसको रोकने के लिए इको गुण वृद्धि सार्थक है। ग्लई में तो रोक दिया आपने ग्लई उपदेश सामर्थ्य से, लेकिन रई आदि में तो नहीं रोक पाएंगे, तो वहां अनिष्ट गुण ना हो उसके लिए क्या चाहिए? इको गुण वृद्धि सूत्र चाहिए। और आगे कह रहे हैं, तथा चितः चिनुतः भिन्नः बेभिद्यते इत्यादौ किंगिति चैति प्रतिषेधार्थम अपि गुणस्य इग लक्षणत्वम् एषितव्यम्। चितः में हमें किंगिति च प्रतिषेध लगाना होता है ना, और चिनुतः में भी लगाना होता है। श्नु के परे रहते ची को और तस के परे रहते चिनु इस संग को गुण का प्रतिषेध करते हैं, ये स्पष्ट है ना। चितः ची धातु से क्तः प्रत्यय गुण प्राप्त हो रहा है, सार्धातु कार्धातु का योग किंगिति जैसे मना करते हैं। चिनुतः में भी जो है इसी तरह से है, श्नु के परे रहते ची की अंग संज्ञा है, उसको गुण प्राप्त होता है, सार्धातु कमपित श्नु प्रत्यय गित्वत हो जाने से फिर आगे हम क्या कर देते हैं, किंगिति च निषेध कर देते हैं गुण को। और इसी तरह से इसी प्रयोग में तस के परे रहते चिनु की अंग संज्ञा है, और ये जो है इगंत अंग है, इसमें भी जो है वही सार्धातु कमपित तस प्रत्यय गित्वत होता है, तो गित्वत होने से चिनु को किंगिति च हम मना कर देते हैं। भिन्न में भी ऐसा ही है, भिदक्त उगंत लघुपद से च प्राप्त हो रहा है, उसको मना कर देते हैं किंगिति च सूत्र से। बेभिद्यते में भी ऐसी ही स्थिति है, बेभिद्यते यंग का प्रयोग है ना, यंग का प्रयोग है बेभिद्यते, तो यंग प्रत्यय के गित होने से हम क्या मना कर देते हैं, गुण का मना कर देते हैं, पुगंत लघुपद से जो गुण प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इन सब के लिए, इन सब प्रयोगों में किंगिति च लग सके, इसके लिए हमें गुण का एक लक्षणत्व चाहिए। पहले जो यहाँ पे गुण प्राप्त हो रहा हो वो किस लक्षण वाला हो, एक लक्षण वाला हो, अगर माने वहां एक पद की उपस्थिति हुई हो तो ही क्या लगेगा, किंगिति च प्रतिषेध लगेगा। इस बात को ऐसे समझिए कि आगे जब न धातु लोपार्ध धातु के सूत्र का व्याख्यान पढ़ेंगे और किंगिति च सूत्र का व्याख्यान पढ़ेंगे, तो वहां ये बात जो है वो चर्चा पूर्वक स्पष्ट की गई है कि ये प्रतिषेध वहीं पर लगते हैं जहाँ इकह इस पद की उपस्थिति होती है। इकह इस पद की उपस्थिति होके जहाँ गुण प्राप्त हो रहा हो, इकह इस पद की उपस्थिति होके जहाँ वृद्धि प्राप्त हो रही हो, वहीं पे जो है वो न धातु लोप अर्धातु के और किंगिति च कार्य कर पाते हैं। तो अगर चितह आदि में आप गुण की प्राप्ति बिना सामान्य रूप से दिखाओगे, पुगंत सार्धातु कार्धातु का यो हो और पुगंत लघु पदस्य से दिखाओगे, लेकिन वहां इकह पद तो उपस्थित ही नहीं हुआ है, इको गुण वृद्धि सूत्र नहीं है तो इकह पद उपस्थित नहीं हुआ है ना, और उपस्थित नहीं हुआ है तो फिर वहां किंगिति च सूत्र निषेध भी नहीं कर पाएगा। तो हमें तत्त सूत्रों में, गुण वृद्धि का विधान करने वाले सूत्रों में इकह पद की आवश्यकता है ही, इसलिए इको गुण वृद्धि सूत्र बनाना चाहिए। जब इको गुण वृद्धि सूत्र ही नहीं है तो फिर जो अभी व्याख्यान करते हैं कि जहाँ इकह उपस्थित होता है वहीं पे मना करेगा, वो भी नहीं रहेगा? नहीं, वहां तो हमें इकह रखना ही पड़ेगा, विशेषतः कहाँ न धातु लोपह आदि में इकह पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर लई गवाय नह आदि अनेक स्थलों पे दोष आता है। सूत्र में ही अलग से पढ़ेंगे, सूत्र में अलग से पढ़ेंगे फिर, माने वहां भी आवश्यकता है और वहां आवश्यकता है तो यहाँ पर भी जो है हमें ये सूत्र वैसा बनाना पड़ेगा। उस सूत्र के सारे प्रयोजन इष्ट रूप से सिद्ध नहीं हो पाएंगे ना, अगर उस सूत्र में हम ये ना कहें न धातु लोपा और किंगिति च में ये ना कहें कि ये इग लक्षण गुण वृद्धि का ही निषेध करने वाले सूत्र हैं, तो इसलिए चूंकि
वहाँ का पूरा जो लक्ष्य है वो तभी ठीक सिद्ध हो पाता है जब हम उसको ऐसा बोलते हैं कि एक लक्षण गुण वृद्धि का ही निषेध ये सूत्र करते हैं, तो फिर हमें गुण लक्षण का जो विधान करने वाले सूत्र हैं उन वहाँ पे भी इकह को ले जाना पड़ेगा, और इकह ले जाना पड़ेगा तो इको गुण वृद्धि सूत्र चाहिए। ठीक है, कल कर देंगे। ठीक है, वैसे आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, आपने सारी सिद्धियां की हुई हैं, वे विद्यते की भी हो जाएगी।